जया मंडावी के साथ. ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट डायरेक्शन क्या है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू शो यू. हम सिर्फ अपना डेली वीडियोस बना रहे विदाउट एनी डायरेक्शन. पहला हाइक है एवा का. एवा कैसा रहा? हाउ वाज इट अबू? गुड जॉब. गुड की बैड? कुछ नहीं है. आप तो कैमरा लेके बैठे हो ना शैलजा जी. प्रिपरेशन यहाँ जय भाई और मेरे को करनी पड़ रही है. पटेल परिवार के साथ भ्रमण जारी है. जय भाई गुरुनाली बेन शैलजा. बेन तो नहीं है, शैलजा बीवी है. कि यहाँ पे देखिए पहाड़ है, पहाड़ पे थोड़ी सी स्नो है आज के टाइम में. उसके अलावा ग्रीनरी है, फिर पत्थर है, रेत है और पानी है. तो मैंने अपनी लाइफ में ऐसा मिश्रण कहीं नहीं देखा. शैल वी गो आउट ऑफ दिस हाउस और स्टे हियर? Stay here. Stay here. What about you? Stay here. Stay here. Okay. आज हमसे मिलने आ रही हैं गेस्ट को, हमारे साथ ही रहेंगी. आप जानते हैं उन गेस्ट को तो गेस्ट कीजिए कमेंट्स पे कौन है वो. नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे गाइज. नया दिन नई शुरुआत. मैं हूं अरविंद और वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो जिन लोगों को मालूम नहीं है उन लोगों को बता देते हैं कि हम हैं जी रोड ट्रिप पे. हेलो. और हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं, इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, एवा जी, निष्ठा जी और ये है अमालिया जी. आज हम इन्हीं के शहर में हैं गुदो में, इसलिए नजारा दिखाता हूँ आपको. ये जो चीज दिख रही है ये है जी सोना. चलिए तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. आज हम बूदो से ट्रैवल कर रहे हैं एक मूशुएन नाम की जगह है जो कि ट्रॉन्डहाइम की तरफ है, डायरेक्शन टुवर्ड्स ट्रॉन्डहाइम. तो अभी हम लोफोतन के ट्रिप से वापस आ रहे हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. तो दोस्तों चेकआउट के लिए सिर्फ 15 मिनट है और फॉर्मूला 1 टीम की तरह पूरी टीम लगी है सफाई करने में. शैलजा जी, संजना चौहान और यहाँ डिश वॉशर भी चल रहा है. आप सोच सकते हैं इंडियंस कितना ज्यादा खाना खाते हैं. ये भाई ने सुबह सुबह मैगी और पिज्जा, और ये भाई साहब हर दिन दूध पीते हैं वरना इनकी आंखें खुलती हैं. ऐसा है क्या भाई? नहीं, दूध नहीं पीता तो फिर महेंद्र सिंह धोनी की तरह ठंडा दूध पीता हूँ. okay. और कभी कभी एक एक लीटर दूध पी जाता हूँ. हेलो, हु इज दिस? ये हिमाचल की टोपी वाली लड़की ही कौन है? दिस इज अमाल्या. हाय, क्या मिला क्या मिला? अब हम अमालिया से बात करेंगे. अभी शी इज बिजी प्लेइंग विद द किड्स. लुक यू लुक सो नाइस, यू लुक इट सूट्स यू सो मच. थैंक यू. अभी हम बस हमें जल्दी से ये एयरबीएनबी खाली करना है. वी वर स्टेइंग हियर, बस इसे खाली करने के बाद कहीं बैठते हैं और फिर अमालिया से बातचीत करते हैं. सो बाहर हो रही है बारिश तो हम बाहर तो ये वीडियो बना नहीं सकते, इसलिए गाड़ी के अंदर बन रही है. हम आए थे अमालिया के घर के पास बूडो में, तो हमें लगा हमें अमालिया से मिलना चाहिए. सो थैंक यू फॉर कमिंग अमालिया. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अब अमालिया बैठी है. एक बच्चा थोड़ा क्रैंकी है, एक लड़की हैप्पी है. उसको उसका फेवरेट कलर का लॉलीपॉप मिल गया, ये इतनी खुश नहीं है. उसको उसका फेवरेट कलर नहीं मिला. अब वो मिल रहा है, मिले. अमालिया भी खुश है, अमालिया को भी मिल गया फेवरेट कलर ग्रीन लॉलीपॉप. अमालिया अब आप अगली बार इंडिया कब जा रही है? कोरोना से पूछना पड़ेगा. सही बात है, पता नहीं, मालूम नहीं, लेकिन जब आ सकती हूँ तो मैं आऊंगी. अगर किसी ने आना है घूमने बाय चांस नॉर्थ नॉर्वे में, नॉर्थ नॉर्वे में, तो कौन कौन सी जगह आप रेकमेंड करते हो? लोफोतन सारी चॉइस है. हाँ, बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलता है, मतलब घूमने के लिए.
यू कैन गो हाइकिंग, फिशिंग के लिए, डाइविंग के लिए, बोट ट्रिप्स, ये सब. तो हाँ, और कौन सा, बहुत लोग ये भी पूछते कि नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए कौन सा टाइम और कौन सा शहर सबसे अच्छा कौन है? सा टाइम, टाइम तो होगा सितंबर से मार्च तक, बट सबसे बेस्ट टाइम नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में. लोफोटन या त्रुमसे, सन्या भी बहुत अच्छा प्लेस है, बट त्रुमसे, त्रुमसे सबसे बेस्ट है, त्रुमसे लोफोटन सबसे बेस्ट है. बट जब अंधेरा होता है तो नॉर्दर्न लाइट्स भी होता है. क्या आपने आपके घर से नॉर्दर्न लाइट्स देखी है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ पे ना आर्टिफिशियल लाइट कम है, अगर आप शहर में है तो. दीदी हाँ जी, ये लो, मिला मिल गया इसको फेवरेट लॉलीपॉप. हैप्पी गर्ल. बंदी ने अंदर से शेड उठा ली, शेड्स हाँ, तीन डिफरेंट कलर की. तो आपको शहर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लाइट्स बहुत है ना, तो कम देखते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, स्टार भी कम देखते हैं. तो अरविंद, हमाले ने अभी हमें बताया कि नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए कौन सा टाइम और शहर बेस्ट है, तो क्या आप हमें ले चल रहे हैं इस बार विंटर्स में नॉर्दर्न लाइट्स देखने? वो डिपेंड करता है आप यूट्यूब से कितना कमा रही हो. तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देखो ताकि भाभी जी इस बार नॉर्दर्न लाइट्स देख पाए. और हमारे आपका यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट कर रहे हो? वो तो मालूम नहीं, पता नहीं अगर मैं स्टार्ट करूंगी यूट्यूब की नहीं, आलू की फसल के बाद. आलू की फसल के बाद पॉइंट ऑफ व्यू. ये वहाँ पे अमाल्या अपना घर दिखा रहे हैं, वहाँ पे कहीं अमाल्या का घर है, अच्छे से नहीं दिखे, हाँ से नहीं दिखे अच्छे से, पर समवेयर वो है. तो अमाल्या स्पेशली हमसे मिलने के लिए आई थी, दैट इज सो स्वीट, शी केम. हमने वादा किया था नहीं पाव भाजी खिलाएंगे, बट समय के कारण नहीं खिला पाए. सॉरी अमाल्या, मैं उस लोग आऊंगी फिर पाव भाजी खिलाएंगे हम आपको. अमाल्या जी, आपको रिश्ते नहीं आ रहे इंडिया से? रोज आते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत आते हैं. हमसे शादी करोगी? हाँ, हमारे बहुत आते हैं, इंस्टा पे भी आते हैं, लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है तो सॉरी यार. बट वो कहाँ से है? इंडिया से? हाँ इंडिया से, लेकिन यूएस में रहते है, अमेरिकन इंडियन. सब लड़कों के लिए दुखी, सॉरी आपका दिल टूटा होगा आज ये सुन के अमाल जी का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है. लेकिन जो जो पॉजिटिव बंदे होते हैं ना, वो वेट करते हैं कि बॉयफ्रेंड ही है ना, हस्बैंड थोड़ी ना है. तो क्या हुआ भाभी, तो तुम्हारी बनेगी. इट्स लाइक दैट, कॉल टू लेट. हां, इट्स नॉट टू लेट, कॉलेज में ऐसे ही होता है हमेशा. एवू और एवा अमाल्या को अमाल्या दीदी बोलती थी, सो क्यूट. एवू, डू यू लाइक अमाल्या दीदी? और निष्ठा थोड़ी चुप है अभी भी. वो थोड़े शौक में ही है कल से कि कौन आ गया है हमारे साथ ही. सो अमाल्या, जब आपका इंडियन फूड खाने का मन होता है, मुझे पता है आप घर पे भी बनाती है, पर क्या यहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी है? हाँ जी, एक बहुत अच्छा है, ग्रेट नाम, ग्रेट गांधी नाम है इसका. और आई थिंक परिवार है पंजाब से, आई थिंक. वहाँ पे बहुत काफी अच्छा इंडियन फूड मिलता है. और इंडियन ग्रोसरीज मिलती है क्या यहाँ पे? हाँ थोड़ा सा, थोड़ा सा, दो दुकान है, पर एक मतलब इंडियन शॉप नहीं, इट्स लाइक मोर फॉरेन स्टफ इन जनरल. पर इसमें तो कुछ इंडियन सामान मिलता है. इज इट एक्सपेंसिव लाइक इंडियन रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पे मिलते हैं? रेस्टोरेंट्स तो काफी महंगा है, बट नॉट मतलब नॉर्मल रेस्टोरेंट्स से ज्यादा नहीं है, पर हाँ काफी मतलब इंडियन के लिए तो एक्सपेंसिव होगा. तो कोई अगर इंडियन स्टूडेंट आ रहे, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू सर्वाइव हियर? हाँ, अगर हॉस्टल में तो यहाँ भी लोग. जैसे कि हमने बताया, अमाल्या को हमने अभी उनके घर छोड़ दिया है अप्रॉक्सीमेटली, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है जी नूर यूनिवर्सिटी. देखिए बहुत ही प्यारा कैंपस है, मुझे अगेन स्टावेंगर के कैंपस की याद दिला रहा है, क्योंकि ये भी एक फुल फ्लेज्ड कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है. और नूरलैंड, जो कि यहाँ की एक फिल्के या फिर आप स्टेट कह सकते हैं, वहाँ की ये जो है ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है. और किस चीज़ के लिए फेमस है? मरीन बायोलॉजी के लिए, फिशरी स्टडीज़ के लिए. दिस इज़ अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी.
ओके, आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है आई थिंक यहाँ की लाइब्रेरी, ये वाला पोर्शन, ये पूरा इसका लाइब्रेरी है। और हो विद इनगांग, हो विद इनगांग जो आपको वहाँ दिख रहा है, वहाँ पे ये पीछे वाला, मेरे पीछे, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस, तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। और देखिए, तो हमारी वेबसाइट के ऊपर 10 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में से नूर यूनिवर्सिटी भी एक यूनिवर्सिटी है मेरे भाइयों। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टडी का नॉर्वे में, तो इसे भी ज़रूर चेक कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आज की डेट में, एज ऑफ नाउ, पढ़ाई है जी मुफ्त नॉर्वे में, ठीक है। नूर यूनिवर्सिटी का ये है मेन एंट्रेंस। और मैं ड्रोन के साथ दिखाना चाहता था आप लोगों को ये, बट अभी बारिश हो रही है तो बारिश में मैं नहीं दिखा पाऊंगा। और देखिए, ये है लिखा हुआ ऊपर, नूर यूनिवर्सिटी। ओके, बाकी कैंपस का टूर आपको ऐसे चल के दे देता हूँ बारिश में, और बताता हूँ। और ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तक, आज 10 जुलाई है, अभी तक यहाँ की पार्लियामेंट में ये डिस्कस आई थिंक नहीं हुआ है। मतलब मुझे किसी भी सोर्स से पता नहीं लगा है कि क्या डिसीजन हुआ है, कि एजुकेशन फ्री रहेगी या फ्री नहीं रहेगी। बट जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी, मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। ओके, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट इट विद यू गाइस। और आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि जी ये जो रेड कलर के, मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए साइकिलिंग के लिए पार्किंग है, साइकिल्स के लिए। और ये पार जो रेड कलर के दिख रहे हैं, ये मेरी स्पेकुलेशन है कि ये हो सकता है स्टूडेंट का हाउस, स्टूडेंट हाउसिंग। ये था छोटा सा टूर। संडे है आज, इसीलिए सब कुछ बंद है, और वैसे भी समर वेकेशन है और समर में हो रही है बारिश। ओके, देखिए नॉर्वे में जो है मॉनसून का सीज़न नहीं होता, यहाँ चार ही सीज़न होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। जैसे हमारे इंडिया में एक मॉनसून का सीज़न होता है जो जनरली जुलाई के आसपास, अगर हम समर नॉर्थ की बात करें तो वहाँ पे तो जुलाई अगस्त जो है जी मॉनसून होगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, बट जैसे कि हमें अमालिया से पता लगा कि ये बहुत ही एक, इट्स अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि समर्स में यहाँ पे बारिश होती है। यहाँ पे अगर 7-8 दिन जी लगातार धूप निकल गई तो जनता जो है पागल हो जाती है, उनके लिए ये एक फेस्टिवल सा होता है। तो जनरली 3-4 दिन धूप रहेगी, उसके बाद बारिश हो जाएगी। दैट इज़ हाउ द वेदर हेयर इज इन समर्स। और विंटर्स में तो खैर बर्फ में कोई भी वो नहीं होती, बर्फ बहुत ही, मतलब जैसे हम बोलते हैं धड़ी में, धड़ी का मतलब होता है कि थोक में पड़ती है यहाँ पे। और तब ही आपको जो है अक्टूबर के आसपास से लेके मार्च या फरवरी तक आप है जी अरोरा बोरियलिस या फिर नदर लाइट्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। एवा, निष्ठा, मैं और शैलजा एक कार में है, बाकी की जनता है उस दूसरी कार में। सिंस वो एक इलेक्ट्रिक कार है, उन लोगों को जल्दी जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना पड़ता है। और अगली डेस्टिनेशन जो है हमारी, वो है लगभग 310 किलोमीटर, 4 घंटे लगेंगे, बट बच्चों के साथ 1 घंटा और जोड़ दो तो 5 घंटे। इतना प्यार करते हैं दूसरा, फिर इतना लड़ते भी है, इट्स सो क्यूट टू हियर द कन्वर्सेशन। अब ये इन दे बोथ आर फाइटिंग, लेट्स या नो या नो, आई डोंट नीड यू एनीमोर, आई डोंट नीड यू, आई डोंट लाइक यू एनीमोर, नो आई डोंट लाइक यू ईदर। A few moments later. Mr. You're a nice girl. You look like Elsa. You too. Oh, you both are friends again? Yeah. Not monsters. Yeah, not monsters. Just Nishtu and Abu.
हाँ जी दोस्तों, तो इस समय हम ऑन द वे रुके हैं नूरलांद नेशनल पार्क। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ हैं, कुछ एक्टिविटीज फ्री है, खाने के लिए अच्छी जगह है, फ्यूल स्टेशन है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज करने के लिए भी आपको चार्जेस मिल जाएंगे। और मेरे पीछे जो आपको दिख रहे हैं ये भालू जी, ये रिसाइकल्ड मटेरियल से बना है। ये वाला भालू ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना है। ऐसे ऐसे यहाँ पे 12 स्कल्पचर्स हैं और अंदर जाते हैं और देखते हैं। आ जाओ भालू जी। अच्छा जी, तो ये है एंट्री, आर्ट गैलरी म्यूजियम है जो कि फ्री है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं बूदो से मुशुएन या मोईराना की तरफ तो ये यहाँ है। और इसी से 12 किलोमीटर दूर जो है वो पोलर जो आर्कटिक सर्कल है वो पास होता है, जो हमने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था। निर्दोष, क्या है अंदर, क्या है? इज एनिमल्स सेफ। ओए ओए वाह, ये क्या चीज है? ये है जी बीवर स्टूर फुगिल। फुगिल का मतलब होता है बर्ड। चल निर्दोष, अब जाओ गुफा में, जाओ अंदर। मैं आ सकता हूँ? नहीं, बहुत छोटी है। अच्छा, ये बीवर्स की गुफा है, देखते हैं। ये निकला बीवर निर्दोष। ये है जी भालू। ये उत्गंग, ये आउट। अरे भयंकर है यार, ब्यूटीफुल नेचर पार्क और सब कुछ है मुफ्त में। तो दोस्तों आई थिंक इट्स वर्थ टू विजिट, है ना निर्दोष? अच्छा है ना? ये क्या क्लथ है, रिंग? दिस इज द क्लाइंबिंग बोल्डरिंग वॉल। ये देखिए निर्दोष में सुपरमैन की आत्मा आती हुई। चल चढ़ के बता भाई, बहुत ही तेज लड़का है ये, उम्र केवल 6 साल, फूर्ती से भरा हुआ। क्या खाते हो भाई, कॉम्प्लान या बॉर्नविटा? है निर्दोष, क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट? देखिए सिर्फ वेजिटेरियन फूड खा के इस बंदे में इतनी फूर्ती है, तो इसीलिए। ये देखिए वाह क्या जंप है। बाकी की जो टीम है वो इस समय फ्यूल अप कर रही है, खाना खा रही है, बट मुझे इतनी भूख नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा नेचर के बीच जाऊं और शांति में, शांति बहुत आवश्यक है। इसलिए ये देखिए प्यारे से फूल, सब कुछ प्यारा प्यारा। चलो दोस्तों अब मैं थोड़ा मी टाइम, अकेले रहता हूँ थोड़ी देर नेचर के बीच। ओके, रोड ट्रिप पे है, इट्स फन, बट एज यू कैन सी वी लुक सो टायर्ड, आवर फेस, आवर स्किन, दैट वाज, वो तो होना ही था, है ना अरविंद? इतना लंबा रोड ट्रिप पर यू कैन नॉट लुक ग्लैमरस एवरी डे। टोटल है 3600 किलोमीटर है, तो अगर आप लेह से कन्याकुमारी देखेंगे वो भी 3600 किलोमीटर है बाय रोड। अप्रोक्सीमेटली हमने पूरा इंडिया का टॉप नॉर्थ से डाउन साउथ कवर किया है इस ट्रिप में 13 दिनों में अप्रोक्सीमेटली। And with kids, let's not forget that. प्लेस है, ये जो सिटी है ये नॉर्वे के बिल्कुल मिडिल में है, 6-7। चलिए इससे पहले कि हम अंदर गंद मचाएं घर में, पहले ही सफाई करते हैं। तो देखिए एयरबीएनबी की जो जनरली चाबियां होती है वो यहाँ होती है, 8 ये निकली चाबी, और अब खोलेंगे इसे और देखते हैं कि कैसा है ये।
हियर स्टे ट्यून्ड, आगे की बातें करते हैं। आज जय भाई पाव भाजी बनाने वाले हैं, पाव भाजी। हाँ जी, आज किचन में, आज अरविंद कैसे दिख गए किचन में? अरविंद आप क्या कर रहे हो? मैं असिस्टेंट हूँ जय भाई का, मैं कांदा और हाथ प्याज काट रहा हूँ पाव भाजी के लिए। भाई मास्टर शेफ को है, वो मिस्त्री है और मैं इनका हेल्पर। यमी, ये नहीं बचने वाली कल तक जय भाई। तो ये आज का डिनर और कल का लंच है हमारा। ये ट्रैवल वीडियोस कम लग रही है और कुकिंग जो ज्यादा लग रही है हमारी वीडियोस जो है, नहीं तो ठीक है ना, क्योंकि ट्रैवल हो नहीं पा रहा, बारिश लगी है, यहाँ के समर्स देखिए, मौसम इतना खराब है। देखो ये आप लोगों के लिए भी, आपके लिए छुट्टियां यही कि आप लोग बेचारे खाना बनाते रहते हैं, हमारे लिए तो हमने सोचा आज हम बेड़ा उठाते हैं, तो इसलिए देखिए कितने प्यार से। अरविंद भाई ने बहुत अच्छे से हेल्प किया है, पाव में बटर बटर अच्छे से लगा दिया है अरविंद भाई, और एक शैलजा जी है और संजना जी का भी कुछ योगदान। और देखिए पाव भाजी में संजना जी ने भी आधे पाव पे बटर लगाया है MDH के ये अपने दादाजी और मसाले यहाँ पे, यहाँ पे पाव, हम लोग यहाँ पे बर्गर पाव यूज करते हैं, इंडिया में जैसे पाव भाजी के स्पेशल पाव मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो ये है हमारा पाव भाजी, भाजी हो रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है और इस तरफ बन सके जा रहे हैं। अभी पूजा करेंगे उसके बाद खाएंगे, और साथ ही साथ आज फाइनल है इंग्लैंड और इटली का, वो भी देखें। तो दोस्तों हमारा सफर जो है वो ऑलमोस्ट एंड पे आ रहा है। आज हम ट्रेवल करने वाले हैं वापस अपने घर आइज़वाल, और होपफुली आपको ये जो लोफोतन की सीरीज है वो अच्छी लगी होगी। हम एक और वीडियो बनाएंगे कि हमारा इस ट्रिप में टोटल खर्चा कितना हुआ, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि और हमने कैसे प्लानिंग की, क्योंकि अगर आप में से कोई नॉर्वे में है और प्लान करना चाहता है ऐसा ट्रिप, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट, एंड डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये ट्रिप कैसा लगा, अगर कोई और ऐसी जगह है जो आप देखना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे और जल्द ही जल्द हम आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। पता है YouTube पे बहुत से ऐसे कमेंट्स हैं जिनका भी रिप्लाई नहीं हुआ है, तो उसके लिए अब थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। और ये जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये है विंड टर्बाइन्स के कंपोनेंट्स, तो आप देख सकते हैं वो विंड टर्बाइन का ब्लेड जो लंबा सा है वो अप्रॉक्सीमेटली 120 मीटर की लेंथ का हो सकता है। तो नॉर्वे जो है इज़ वन ऑफ द लीडिंग नेशंस इन दैट। दोस्तों शुक्रिया, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट के कारण ही जो है हमें प्रोत्साहन मिलता है। तो देखते रहिए, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।